हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह से मौसम साफ रहने के बाद बीती रात से हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों और राजधानी शिमला की सबसे ऊंची चोटी जाकू में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से हिमालय पथ परिवहन की बसों को रामपुर किन्नौर के लिए वाया बसंतपुर भेजा जा रहा है। वहीं रोहड़ू चौपाल के लिए बस सेवाएं बंद हो गई हैं। मौसम विशेषज्ञों ने 6 जिलों में आज और कल बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं प्रदेश में इस साल हो रही बर्फबारी को सेब और दूसरी अन्य नकदी फसलों के लिए काफी लाभदायक माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बर्फबारी के कारण जमीन में पर्याप्त नमी हो गई है, जो कि नए पौधों को बढ़ने के लिए बिल्कुल अच्छी है। शिमला में कल रात से रुक रुक कर काफी भारी बर्फबारी हो रही है। हमारे बागवानों के लिए तो बहुत अच्छी है उसका बर्फ का गिरना। इससे जो सेब की फसल है बहुत अच्छी होती है, नमी रहती है, चिलिंग हॉर भी बुरा होता है। पर यह शिमला में थोड़ा सा ये होता है कि आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, फिसलन रहती है, टाइम से रोड साफ नहीं होते, बस ये है थोड़ा सा। चलो बर्फ तो गिरती है खैर, पर एक दो दिन के बाद कम से कम रोड क्लियर हो जाना चाहिए ताकि बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, चलने में उनको दिक्कत ना आए। बस ये बाकी बर्फबारी तो होनी चाहिए।